मिनट ज़्यादा लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कोऑर्डिनेशन सबके साथ अच्छा था आपका? अच्छा। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास में? लवण्या, वो अभी एब्सेंट है, वो एनुअल डे में नहीं। लवण्या वो अभी एब्सेंट है ना, आज वो भी पढ़ाई मिस कर रही होगी ना, ये एनुअल डे मिस कर रही है? एनुअल डे मिस कर रही है। कभी कभी पढ़ती है, कभी कभी पढ़ती है। फेवरेट टीचर कौन सी है आपकी, जिनका मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाई पढ़ने में, कौन सी ऐसी टीचर है? वंदना मैम। वंदना मैम टीचर अच्छी है, तो मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ना। अच्छा, क्या बात है। तो ये बच्चे अभी थर्ड क्लास में, सोचिए इतना मल्टी टैलेंटेड है, तो इमेजिन कीजिए, यहाँ तक तो हमें तो मतलब एक सेंटेंस में लिखना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस की है। और आपका क्या नाम है? समीरा। समीरा जी, आपको सबसे बेस्ट चीज़ स्कूल में क्या लगती है? पढ़ना। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? जब पढ़ाई के बाद कभी ऐसे मैम कहती है चलो आपका ये फ्री पीरियड है, आपको स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? स्विमिंग। स्विमिंग बात है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ कि आप जब फ्री टाइम होता है क्या करते हो? जब फ्री टाइम होता है हम बातें करते हैं या थोड़ी सी ड्राइंग टाइम। अच्छा, कभी स्कूल के साथ पिकनिक जाने का मौका मिला? नहीं। स्कूल पिकनिक लेके जाते हैं आप? लेके जाते हैं, पर मैं कभी नहीं गई। अच्छा, आप कभी नहीं गए, जाना चाहिए। देखो, आप पढ़ाई साथ करते हो, आप डांस साथ करते हो, पिकनिक में फन मस्ती होती है, तो वहाँ पे तो जाना चाहिए ना। अच्छा। ओ देवा 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 नमः। वाओ, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए भी, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पर पीछे चलते हैं, थोड़ी सी और फ्रेंड है, दोस्ती दोस्ती फिर भी है ना। हाँ, फिर भी। अच्छा, आपको भी पसंद है डांस वगैरह करना? हाँ। अच्छा, स्पोर्ट्स क्या पसंद है आपको? टेबल टेनिस और फुटबॉल। टेबल टेनिस और फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल में तो काफी एनर्जी लगती है, भागते रहना इतनी एनर्जी है। क्या पीते हो? कॉम्प्लेन? इतना नहीं पीता मैं, सिर्फ ग्लूकोन-डी या फिर पानी पीता हूँ। वहाँ पर हम आए हैं जोरामल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर हर साल हम आते हैं इनके एनुअल डे में शिरकत करने, और ये थर्ड क्लास के बच्चे हैं। एक बार मैं चाहूँगा इनकी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी स्माइल और उनकी जो अटायर इन्होंने कैरी की है ना, जब हम थर्ड क्लास में थे तो हमें कहाँ इतना डांस आता था, इतनी प्यारी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, तो ये बच्चे जोरामल के हैं तो इसीलिए खास तो होंगे। ये थोड़ी बात इनसे करेंगे, नटखट जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत शरारत भी है, इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन इनका टुगेदरनेस डांस देखकर ना मतलब मज़ा ही आ गया। और क्या आपस की बॉन्डिंग थी, और किस तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर बच्चा यहाँ पर माधुरी दीक्षित है, उसके एक्सप्रेशंस का मुकाबला कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी बात इनसे करेंगे और जानेंगे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। आपका क्या नाम है? समायरा गुप्ता। समायरा, आपको वैसे डांस करना पसंद है? है। अच्छा, स्कूल में सबसे ज़्यादा आप मिस क्या करोगे, मतलब जब छुट्टियाँ पड़ती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके टीचर्स, क्या चीज़ आप मिस करते हो जब छुट्टियाँ पड़ी हों और मन करता है स्कूल में, कोई ऐसी यादें? पढ़ाई। पढ़ाई मिस करते हो? वाओ, ये जोधामल की खासियत है, इसीलिए टॉपर्स जो है ना वो हर साल यहाँ से निकलते हैं। और देखो, बच्चे ने कहा फ्रेंड्स टीचर वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा मिस करते हो। अच्छा, कितनी देर लगी आपको रिहर्सल करते हैं डांस पूरा? ज़्यादा लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं। कोऑर्डिनेशन सबके साथ अच्छा था आपका? अच्छा। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास में? लवण्या, वो अभी एब्सेंट है, वो एनुअल डे में नहीं। लवण्या वो अभी एब्सेंट है ना, आज वो भी पढ़ाई मिस कर रही होगी ना, ये एनुअल डे मिस कर रही है? एनुअल डे मिस कर रही है। तो यहाँ चलते हैं, क्या नाम है आपका? अनाहिता। अनाहिता, आपका ये टीथ छोटा है? अच्छा, मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स। मैथ्स। अच्छा, शरारत करते हो आपसे घर पे शरारतें करते हो, कभी कभी डांट पड़ती है? कभी कभी पढ़ती है, कभी कभी पढ़ती है। फेवरेट टीचर कौन सी है आपकी, जिनका मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाई पढ़ने में, कौन सी ऐसी टीचर है? वंदना मैम। वंदना मैम टीचर अच्छी है, तो मतलब जब वो पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ना। अच्छा, मुझे बताओ और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, डांस भी आज आपका देखा हमने, और क्या हॉबीज़ है? स्विमिंग। स्विमिंग करते हो? क्या बात है। तो ये बच्चे अभी थर्ड क्लास में, सोचिए इतना मल्टी टैलेंटेड है, तो इमेजिन कीजिए, यहाँ तक तो हमें तो मतलब एक सेंटेंस में लिखना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस की है। और आपका क्या नाम है? समीरा। समीरा जी, आपको सबसे बेस्ट चीज़ स्कूल में क्या लगती है? पढ़ना। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? जब पढ़ाई के बाद कभी ऐसे मैम कहती है चलो आपका ये फ्री पीरियड है, आपको स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? स्विमिंग। स्विमिंग, स्विमिंग करते हो आप? वेरी गुड। और कोई आपको स्पोर्ट्स पसंद है, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, कोई देखना? क्रिकेट। क्रिकेट। फेवरेट खिलाड़ी कौन सा आपका, प्लेयर कौन सा फेवरेट? विराट कोहली। विराट कोहली तो हर एक के फेवरेट हैं, और जर्सी नंबर 18 है उनकी, और छोटे छोटे बच्चे इनको देखो विराट कोहली का भी पता है और क्रिकेट का भी पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जोधामल स्कूल के टॉपर्स ऐसे ही नहीं निकलते। देखिए, दो बच्चों से पूछा इन्होंने कभी पढ़ाई मिस करते हैं सबसे ज़्यादा, और पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज जो रहती है वो यहाँ पर करवाई जाती हैं। आपके क्या नाम है? रबानी। आप बड़े प्यारे प्यारा डांस कर रहे थे, ऐसे स्टेप
ओके अच्छा डांस टीचर कौन है आपके, कौन सिखाता है? एक्चुअली शिवानी मैम। शिवानी मैम ने सिखाया? तो शिवानी मैम ऐसे कोई स्टेप बच्चा भूल रहा था वहाँ से याद करवा रहे थे डांस करके ऐसा वाला? यस करवा रहे थे। यस क्या बात है। अच्छा मुझे ये चीज बताओ कि आप जब फ्री टाइम होता है क्या करते हो? जब फ्री टाइम होता है हम बातें करते हैं या थोड़ी सी ड्राइंग टाइम। अच्छा कभी स्कूल के साथ पिकनिक जाने का मौका मिला? नहीं। स्कूल पिकनिक लेके जाते हैं आप? लेके जाते हैं पर मैं कभी नहीं गई। अच्छा आप कभी नहीं गए, जाना चाहिए। देखो आप पढ़ाई साथ करते हो, आप डांस साथ करते हो, पिकनिक में फन मस्ती होती है तो वहाँ पे तो जाना चाहिए ना। हाँ। अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन से? इंग्लिश। वेरी गुड, थर्ड क्लास की बच्ची और इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए थोड़ी थोड़ी बात इनसे भी करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों से बात हो सके। इतनी कितनी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल है। अच्छा मुझे बताओ आप शरारत करते हो? थोड़ी बात। क्या करते हो शरारत में? आप तंग करते हो किसी को? नहीं। नाम क्या आपका? युवना। खाने में क्या पसंद है आपको? मोमोज, मैगी? नहीं वो टीचर सामने इसलिए नहीं बोल रहे होंगे ना ऐसे, मतलब कभी कभी चोरी चोरी खा लेते होंगे, है ना? खा लेते हो ना? क्या बात है। आपके क्या नाम है? हनीत। आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे ऐसे, क्यों ऐसे नर्वस क्यों हो? मैं नर्वस नहीं, मैं नर्वस नहीं, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं ऐसे ही रहते हो? हाँ। कम बोलते हो? हाँ। अच्छा नहीं, बात तो करती हूँ। बात करती हूँ लेकिन जितनी बात करनी चाहिए उतनी करते हो ना? हाँ। है ना। अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा इंग्लिश। इंग्लिश है तो खैर थोड़ी थोड़ी बातें और भी करते हैं इनसे प्यारी प्यारी सी। आपका क्या नाम है? शिल्लिस मनहाबट। अच्छा आपको कितना टाइम लगा डांस सीखने में? 15 डेज। तो घर पे रिहर्सल करते थे आप? हाँ। कौन रिहर्सल करता था घर पे, साथ में और कौन डांस करता था? मैं अकेले करती थी। अकेले? मम्मा को नहीं? मम्मा थोड़ा कंपनी दे दो। नहीं आए, मामा ऑफिस होती थी ना। मामा ऑफिस होते थे इसलिए अकेले करते थे। यस। क्या बात है। अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ्स। मैथ्स। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? वंदना शर्मा। वंदना मैम। यस। बिल्कुल नहीं डांटते वो? डांटते हैं थोड़े, गलतियों करने पे डांटते हैं। अच्छा गलती करने पे डांट पड़नी भी चाहिए, है ना? तो खैर आपके क्या नाम है? पार्थवी। अच्छा पार्थवी मुझे बताओ आपके फेवरेट टीचर कौन है? वंदना मैम। ये सबके वंदना मैम है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार वंदना मैम मुझे लग रहा है आप ही है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अमीर शाह इनके दिल में जो है वो बचपन से ही छपना शुरू हो जाती है। आपका जिक्र बड़ा किया जा रहा है कि ऐसी क्या खास बात है, बच्चों को क्या घोल के पिलाया, मतलब इतनी सारी टीचर्स हैं आप ही का नाम ले रहे हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर लव, यू कैन से इट्स सिंपली देयर लव, दैट्स ऑल। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग इट। ये लोग प्यार करते हैं इसीलिए, डांट भी पड़ती है इनको मेरे से जब गलत काम करते हैं, लेकिन जितना मैं इनको अगर डांटती हूँ तो मैं उतना ही प्यार भी करती हूँ इनको। एज ए मदर एक या दो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, एज ए टीचर जब इतने बच्चों को जिनकी सोच अलग है, IQ लेवल अलग है, शरारतें अलग हैं, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना? डिफ़िकल्टी लेवल आता है इसमें, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग वे है। कुछ ज़्यादा शरारती हैं, कुछ बिल्कुल ही आराम से बैठने वाले बच्चे हैं, बट आजकल की जनरेशन के मुताबिक लिटिल डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम एंड टू हैंडल देम, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, दैट्स ऑल। जब हम पढ़ा करते थे ना मैम तो हमें कोई पूछता था अभी आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है, हमने कहा एक बार रिंग बज जाए ना टन 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 छुट्टी हो गई है तो खुशी मिलती है। यहाँ के बच्चे मतलब हर बार टॉपर्स निकलते हैं, ये कहते हैं पढ़ाई, मतलब ये जानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों के लिए पूरी उम्र पढ़ी है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, ये बच्चे जो हैं इनको जब पता चलता है कि हमें 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो ये एक्साइट नहीं होते, कहते नो मैम वी आर गोइंग टू मिस द स्कूल। सो ये एक कह लीजिए कि शायद स्कूल का ऐसा ऑरा है कि दे मिस इट। क्या बात है। तो आगे चलते हैं, आपका क्या नाम है? कृषा। जोर से बोलो ना। कृषा। कृषा पूरा नाम क्या है? कृषा सिंह। कृषा सिंह। अच्छा मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। वेरी। घर में फेवरेट कौन है आपके, पापा के मम्मी? मम्मा। मम्मा। ये ज्यादातर गर्ल्स के तो पापा फेवरेट होते हैं ना, पापा भी हैं? पापा डांटते कभी कभी? नहीं डांटते, इतने क्यूट है पापा आपके। पापा का नाम क्या है? दीपक पठानिया। दीपक पठानिया जी। देखा मैं मैक्सिमम देखता हूँ कि लड़कियों के जो रहते हैं फादर उनके काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन उनकी मदर भी ऐसी बात नहीं है। घर पे डांटता कौन है ज़्यादा, मम्मी के पापा? मम्मा। मम्मा। अच्छा डांटते भी मम्मा और प्यार भी मम्मा करते हैं, तो खैर ये होता ही है। आगे चलते हैं, ये क्या आपने पकड़ा हुआ हाथ में? ये मैंने पकड़ा। ऊपर क्या सन? आपका नाम क्या है? अमायरा। अमायरा आपको खाने में क्या पसंद है? कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ भी खा लेते हो? हाँ। अच्छा आपको गाना गाना आता है? गाना गाना नहीं।
किसी बच्चे को सॉन्ग आता है, सॉन्ग कोई गाना गाता है, किसी को शौक है? इतने सारे बच्चों को, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ कोई आपका फेवरेट गाना सुना दो। मेरा फेवरेट गाना वास्ते। आप सुनाओ। वास्ते जहाँ भी दूँ मैं गवाह है, माँ भी दूँ किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतों सच कहूँ छोड़ दूँ, तू ही बस तेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही से खुद शुरू, तू ही से खुद को खत्म, वास्ते जा भी दूँ मैं गवाह है, माँ भी दूँ किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ। क्या बात है, बस ताली बजाओ इसके लिए सब बच्चे। कितना प्यारा गाया है। आप थोड़े थोड़े शर्मा रहे थे, क्या चक्कर है? आप ऐसे ऐसे करके स्माइल कर रहे थे। अच्छा काला टीका किसने लगाया, नजर ना लग जाए? मम्मा ने, है ना? अच्छा आप भी गाना गाते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा गाओ ना आप। सुनाओ। कैसे तू गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए, नादानिया नादानिया। क्या बात है, ताली बजा दो इनके लिए भी। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सब कुछ आता है इनको, डांस इनको आता है, गाने इनको आते हैं, पढ़ाई में नंबर वन है, मतलब शरारते भी, जाहिर सी बात है, ये नहीं करेंगे इस उम्र में, कब करेंगे। आपका क्या नाम है? मुझे नहीं गाना। अच्छा आपको, मुझे गाना नहीं आता। अच्छा गाना, अच्छा हीरो को अच्छा लगता है? हीरो हीरोइन अच्छा लगता है? कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे हैं और होना भी चाहिए पढ़ाई के। और कौन गाना गाएगा आपको आता है? कौन सा गाना गाओगे? सुनाओ। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देके हवा बनता हूँ मैं अगम, ओ देवा 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 नमः नमः, महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ, ओ देवा 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 नमः। वाओ, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए भी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पर पीछे चलते हैं थोड़ी सी और। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृपयान शर्मा। आप मुझे थोड़े थोड़े शरारती लग रहे हो। अच्छा आप क्लास में कौन तंग करता, कौन सा बच्चा आपका, कौन सा फ्रेंड तंग करता है आपको? अयान सौरभ सेठी। अयान सौरभ सेठी और एक और है शिवा गुप्ता। अच्छा, वो उधर ही है। अच्छा मुझे बताओ वो कैसे परेशान करते हैं, मतलब छेड़ते हैं? छेड़ते तो बहुत ही हैं, मारते भी बहुत ही हैं। तो फ्रेंड है ना? फिर भी फ्रेंड है, दोस्ती दोस्ती फिर भी है ना? हाँ फिर भी। अच्छा आपको भी पसंद है डांस वगैरह करना? हाँ। अच्छा स्पोर्ट्स क्या पसंद है आपको? टेबल टेनिस और फुटबॉल। टेबल टेनिस और फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल में तो काफी एनर्जी लगती है, भागते रहना भागते रहना, इतनी एनर्जी है? क्या पीते हो कॉम्प्लेन? इतना नहीं पीता मैं, सिर्फ ग्लूकोंडी या फिर पानी पीता हूँ वहाँ पर। वाओ वेरी गुड। तो अच्छे अच्छे बच्चों के लिए तैयारी, सभी बच्चे अच्छे हैं और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में इनमें है। अच्छा और कौन बात करना चाहता है? वाओ ये सारी क्लास देखो कितनी टैलेंटेड और मजा आ रहा है इन बच्चों के साथ। और आपके पास चलते हैं, क्या नाम है आपका? राना ग्रोवर। अच्छा मुझे बताओ आपको स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? स्विमिंग। खाना क्या पसंद है? पिज्जा। पिज्जा गोलगप्पे नहीं पसंद? नहीं भी नहीं। मोमोज तो नहीं खाते? नहीं नहीं खाने चाहिए, उसमें मैदा होता है, हेल्थ के लिए जो खराब होता है। पिज्जा पसंद है? कहाँ का डोमिनोज का? वेरी गुड, तो इनको पिज्जा पसंद है। अच्छा मुझे बताओ जब आपको छुट्टी होती है घर पे बोर होते हो? बहुत बहुत बोर होते हो, क्या मिस करते हो? फ्रेंड्स, पढ़ाई, टीचर? फ्रेंड्स करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, टीचर्स करती हूँ और स्पेशली क्लास। वाओ स्पेशली क्लास मिस करते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास आइए, क्या नाम है आपका? अशर। अच्छा आप डांस अभी किया, आपने बड़ा प्यारा डांस किया। थैंक यू। किसने सिखाया आपको? हमारे को आरती मैम ने और शिवानी मैम। शिवानी मैम ने। अच्छा मुझे बताओ आपको क्या पसंद है खेलने में, क्या पसंद है? स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली, इनका भी विराट कोहली फेवरेट है। आपका क्या नाम है? ताबिश। आप भी खेलते हो क्रिकेट? खेलता हूँ। खेलते हो, और क्या क्या पसंद है आपको? फेवरेट फूड। फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। फोन पे गेम्स खेलते हो? कभी कभी। कभी कभी आप खेलते हो? कभी। खैर कभी कभी खेलनी चाहिए। इनके पास चलते हैं और उसके बाद इन बच्चों ने जो है अपनी ड्रेसेस भी चेंज करनी। क्या नाम है आपका? सुकृति।
सुकृति जी, अच्छा मुझे बताओ आपको स्कूल में सबसे अच्छी प्यारी चीज़ क्या लगती है? पढ़ाई। पढ़ाई करना। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिस करते हो? कौन फेवरेट फ्रेंड है आपका, बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई सहेली है अच्छी फ्रेंड? नहीं, सभी दोस्त हैं। सभी दोस्त, अच्छी बात। अच्छा आपको कोई गाना शाना आता है, सॉन्ग आता है? नहीं आता। आगे चलते हैं, आओ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मानविक सिंह। अच्छा मुझे बताओ आप स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? नवनीत मैम। नवनीत मैम है, अच्छे से पढ़ाते हैं आपको? बिल्कुल डांटते हैं? हाँ डांटते नहीं है? कभी कभी डांट रहे हैं। कभी कभी डांटते हैं जब आप गलतियाँ करते हो ना। हाँ। गलती करते हो ना। तो खैर आगे चलते हैं, इनके पास आपके क्या नाम है? अभिका। अच्छा आपको गाना आता है, सॉन्ग आता है? नहीं आता। डांस आपने बड़ा प्यारा किया है ना। अच्छा आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? रियाना। वेरी गुड। और खाने में क्या पसंद है आपको? पास्ता। पास्ता। तो खैर ये प्यारे प्यारे से बच्चे थे, देखो ये पूरा दिन मैं इनसे बातें कर दूंगा, ये पूरे दिन बातें करते रहेंगे, क्योंकि जितने एनर्जेटिक ये है ना उतने हम कहाँ थर्ड क्लास में, इतनी सोच इतनी समझ, मुंह से जुबान से वर्ड भी नहीं निकलते थे। लेकिन ये जोधामल के बच्चे हैं जिनके लिए सबसे पहले पढ़ाई है और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ हैं, और इसीलिए यहाँ के रिजल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे आते हैं, और उम्मीद करते हैं इनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। ये उम्मीद वाली बात नहीं है, ये कन्फर्म है, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ के बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही ब्राइट होगा। तो खैर कुछ और बच्चों से आपसे मुलाकात करते हैं, देखते रहिए चैनल 1। राहुल खत्री नमस्कार। बोलो।